लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने आज नई मुंबई के मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए वाशी में आंदोलन किया। रिपाई नेताओं की दलील है कि अभिजीत बांगर सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए गंभीर नहीं है, इसलिए उन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। रिपाई कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर प्रदर्शन किया और आयुक्त के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया। रिपाई नेता एडवोकेट एसपाल ओहोल और बाला साहब मिर्जे ने कहा कि वे श्रद्धा सोसाइटी को दी गई एनओसी और प्रकल्पग्रस्तों के तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आयुक्त को शिकायत दे रहे हैं, लेकिन मनपा प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आयुक्त और प्रशासक अभिजीत बांगर को हटाना जरूरी है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज का आंदोलन होने के बाद अगर आयुक्त अभिजीत बांगर इनको हटाया नहीं जाता है और सामाजिक प्रश्नों के ऊपर उनको उनका अगर ध्यान नहीं जाता है तो ये अगले 15 दिन के बाद हम हर वार्ड ऑफिस के बाहर धरना आंदोलन करेंगे। अपने खुद आयुक्त नई मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ मुख्यालय के बाहर आमरण उपोषण में भेजने वाला हूँ और जब तक हमारी मांगें पूरी होती नहीं, मतलब लिखित स्वरूप और टाइम बॉन्ड, ये टाइम बॉन्ड निर्देशित करते हैं, देखते हैं हम, हमारा नियोजन है, नियोजन कब तक है, 1 साल के बाद या 10 साल के बाद, नियोजन ने एक ठोस आप आधार देना चाहिए। इस तारीख को 6 दिसंबर को स्मारक का जनता के लिए हम खुला करने वाले उसका एक इन्विटेशन कार्ड बनाइए। आप झोपड़पट्टी का जो प्रश्न है, फोटो पास है और जो अपात्र लोग हैं उनको पात्र करने के लिए जो भी फॉर्म भरवाना पड़ता है वो नहीं भरते हैं, इसलिए हमारा कहना है जब तक आयुक्त ठोस हमें कुछ आश्वासन नहीं देते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अभिजीत बांगर साहब खाली ठेकेदारों का काम करते हैं, कंट्राक्टरों का काम करते हैं, परसेंटेज जहाँ से मिलता है उनका काम करते हैं, सोशल कामों के ऊपर ध्यान नहीं है। इसीलिए हमारी मांग है कि अभिजीत बांगर साहब जो प्रशासक हैं नई मुंबई महानगर पालिका के, उनको हटाओ और उनको हटाना चाहिए, उनकी इंक्वायरी लगना चाहिए, ऐसा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग। उनका जो वित्त विभाग है उसे आरटीआई के माध्यम से माहिती निकाला है कि करोड़ों रुपए का टेंडर पास कर दिया है, जहां पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उनका कोई सर्वे नहीं करते, बिना सर्वे का टेंडर निकालते और उनका ऑर्डर देते हैं, और जो काम हुआ है उनका टेंडर का काम डेट भी खत्म हो गया है, वो लोगों का भी काम अभी तक चालू है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट पर नहीं डालते। यही हमारे पता से बहुत सारे सबूत है, वक्त आएगा तो सब मीडिया के सामने हम रखेंगे और इसीलिए हम कहते हैं कि आयुक्त को हटाना चाहिए। असं झालं आता दोनदा आम्ही ऑफिसला पण गेलो, मोर्चा पण घेऊन गेलो, त्या दिवशी आम्ही 4-5 जण गेलो, काही नाही पेपर पण घेऊन गेलो आम्ही, ते पण बोलले की होत नाही, पावती आहे का तुमच्याकडे, कॅश करता येईल का, असे बोल पण आमच्याकडे नाही आहे, मग काय झालं पावतीनेच आमच्याकडे टॅक्स मिळेपर्यंत कामाला पाणी नाही, नको आहे आम्हाला। आम्ही वोटिंग करतो आहे ना, आम्ही राहतो नाही तिथं, राशन कार्ड आहे आमचं पिवळं, आमचं आधार कार्ड चालते, पॅन कार्ड चालतं, वोटिंग चालते, मग आम्हाला पाणी का नाही भेटत, त्या टायमालाच आम्हाला सगळी पावती काय चालल्या जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।